किड्स चैप्टर 17, अपना काम स्वयं करो। काश मजदूर मिलते तो यह पेड़ कटवा लेता, कल दूसरे गांव से ले आना। हम दोनों खेत के उस तरफ दाना चुगने जा रहे हैं। घबराना मत, दूसरे गांव में भी कोई मजदूर नहीं मिला। धीरज रखो, कोई ज़रूर मिलेगा। किसान मजदूरों को खोज रहा है, अब हमें जाना पड़ेगा। डरो मत, अभी कुछ नहीं होगा। घबराना मत, हम जल्द आ रहे हैं। आज भी मजदूर नहीं मिले। एक दिन और रुक जाओ। दोनों एक दिन और रुकने की बात कर रहे थे। डरो मत, कुछ नहीं होगा। पेड़ के कारण फसल बर्बाद हो रही है, क्या करें? कल हम खुद ही काट लेंगे। हाँ, अपना कार्य आप ही करना चाहिए। कल दोनों खुद पेड़ काटेंगे। अब सचमुच पेड़ कट जाएगा, हम कल सवेरे ही उड़ चलेंगे। यह कहानी एक किसान का है। किसान अपने खेत में फसल लगाया था, वहीं पे एक पेड़ में बहुत सारे चिड़िया घोंसला बना के रहते थे, जो सारी फसल को जाके ख़राब कर देते थे। चिड़िया खेत में जाकर फसल को खा जाते थे, इस कारण किसान बहुत परेशान था और उस पेड़ को कटवाने के लिए मजदूर ढूंढ रहा था। दिन बीतते गया, दूसरे गांव में भी मजदूर नहीं मिले। तब किसान परेशान होकर यह सोचता है कि इस पेड़ के कारण फसल बहुत बर्बाद हो रहा है, अब इस पेड़ को हमें ही काटना पड़ेगा। यह निर्णय लेकर वह किसान उस पेड़ को काट देता है। पेड़ के कट जाने से सभी चिड़िया उड़ जाते हैं और इस तरह फसल बच जाता है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार किसान दूसरे मजदूरों के ऊपर निर्भर था, जिसके कारण उसका फसल बहुत ख़राब हो गया, किसी दूसरे के भरोसे रहने से बना हुआ कार्य बिगड़ जाता है। किसान पेड़ को काट के अपनी फसल को बचाता है। इसी तरह आत्मनिर्भर होकर जहाँ तक हो सके अपने सारे काम स्वयं करने चाहिए। आत्मनिर्भर व्यक्ति न केवल समाज बल्कि देश के उन्नति में भी भागीदार होता है।